क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का है, बिल्कुल फॉर्मूला वेस्ट सवाल ये भी है। कहा गया अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 25 गीगाहर्ट्ज इज प्रोपेगेटिंग इन अ वैक्यूम अलोंग द जेड डायरेक्शन, मतलब कि जो वेव है उसका मोशन किधर हो रहा है, जेड डायरेक्शन में। एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस एंड टाइम द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवेन बाई B इज इक्वल टू 5×10⁻¹ जे कैप टेस्ला। ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वाई डायरेक्शन में है, वेलोसिटी जो है जेड डायरेक्शन में है, ठीक। द करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड E इज स्पीड ऑफ लाइट दिया गया है ना, तो हमें पता है एक रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू B क्रॉस V होता है। ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, भी वेक्टर क्वांटिटी है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो यहाँ पर हमें लिखना चाहिए B क्रॉस C। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो दिया गया है J कैप डायरेक्शन में, 5×10⁻¹ J कैप क्रॉस जो C है, बताया गया कि जो वेव है वो J डायरेक्शन में जा रहा है यानी K कैप डायरेक्शन में जा रहा है और उसका मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतना K कैप, ठीक। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5×3 ये आ जाएगा 15, ये और ये मिलकर के 1 हो जाएंगे और J क्रॉस K ये होता है I कैप, ठीक। तो 15 I कैप आएगा वोल्ट पर मीटर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो गया है ना। तो देखेंगे कि जो सेकेंड ऑप्शन है इसमें 15 I कैप वोल्ट पर मीटर।